अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हिकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहत याब होंगे, खुश होंगे। रट गई है मेरी तो, मेरे साथ साथ मेरे म्यूजिशियंस जो है ये दुआ दे रहे होते तो और भी अच्छी बात है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा है। ये खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस देख रहे हैं, प्यारे प्यारे कलर्स देख रहे हैं। तो आज की हमारी थीम जो है वो ऐसी थीम है जो कभी भी पुरानी नहीं होगी। जब तक इस दुनिया में शादियां चलती रहेंगी तब तक ये थीम जो है रवां दवां रहेगी, ऑन द टॉप रहेगी और सबको पसंद भी आएगी। बीच में एक ब्रेक आने वाला है तो मैं देख रही हूँ कि आजकल भी जो है जो निकाह हो रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शंस तो होना भी रुक गए हैं और उसके बाद ईद के बाद बीच में जो टाइम आएगा उस पर भी जो है फिर शादियां और ये सारी डेट्स जो है हम तक आ गई। अभी एक बड़ी ग्रैंड वेडिंग चल रही है और एक बड़ा पॉपुलर हैशटैग जो है वो इस वक्त ट्विटर पे चल रहा है जो कि है सोनम की शादी। सोनम का पूरा फंक्शन है, कल जो है मेहंदी थी और उससे भी बड़े नए नए डिज़ाइन और इंस्परेशन। जब इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ होती हैं तो उन्हीं से देख के, उन्हीं से इंप्रेस होकर, उनके डिज़ाइनर्स ने, फिर जिन गेस्ट ने क्या कुछ पहना है शादी पे, वो जब वहाँ पर जाते हैं तो अब तो शादियाँ भी बिल्कुल पब्लिक अफेयर सा हो गया ना, तो वो हम देख कर फिर आगे अपने भी डिज़ाइन कॉपी करते हैं, ट्रेंड्स का भी हमें पता चलता है। इस मंथ को वैसे ओवरऑल जो है एक फ़ैशन मंथ कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हॉलीवुड की अगर बात की जाए तो सबसे पॉपुलर फैशन इवेंट जिसको मेट गैला कहते हैं वो होता है इस मंडे को, और अभी इस वक्त जो है वो जारी है क्योंकि 12 आवर्स का डिफरेंस है। तो नया नया जो है फैशन वहाँ से भी हमें नज़र आता है, फिर शादियों का सीज़न होता है, फिर सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है। हमारे पाकिस्तान में भी जब कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं इस तरह की जिनको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, पता नहीं क्यों भाई, नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो सबको दिखाना चाहते हैं, सबको इन्वाइट करना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ सब की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिसाइज्ड इवेंट था और उसके ऊपर भी नए नए हमें फैशन नज़र आए। तो बारात, वलीमा, मेहंदी, ये तीन ऐसे फंक्शंस हैं कि जिस भी घर में शादी हो तो ना ही सिर्फ दुल्हन बल्कि उसकी बहन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी भाभी, उसके भाई और इन सब का जो है अम्मी, नानी, खालाएं होते हैं। और रेड एक ऐसा कलर है जो हर बारात पे पहना जाता है, इसीलिए क्योंकि मैं कन्वेंशन को फॉलो नहीं करती कभी भी, तो मैंने ब्लू पहना है ताकि पता चले कि एक ब्राइड जो है बीच में नहीं है, बाकी सब जो है ब्राइड्स हैं। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी नवाज ब्राइड्स भी आई हैं, हम आपको आज दिखाने वाले हैं। हसन शेख होंगे हमारे पास आज जरी पैलेस से, जिनके ये सारे खूबसूरत ड्रेसेस हमने पहने हैं। इस वक्त जो मैंने भी ये ड्रेस पहना है, इतना मुझे इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा लगा है, लिटरली कल जब ये मेरे सामने ड्रेस आया तो उसी वक्त पहली नज़र में मुझे इससे प्यार हो गया, वाह इतना हसीन। तो ये ड्रेस, इसके साथ बहुत सारे ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। एंजल सैलून की टीम हमारे पास आई है जो कि आपको ब्राइडल मेकअप करना दिखाएगी। और सुबह सुबह आते ही जो है ना मुझे रुखसाना से डांट पड़ी कि सुंदर से इतना हसीन ड्रेस और बाल, बाल क्यों नहीं बनाए तुमने? तो मेरा एक मसला, मुझे लगता है जब मैं दुल्हन भी बनूंगी ना तो मेरे बाल ऐसे ही होंगे क्योंकि मुझसे बाल बिल्कुल नजर आए। तो एंजल सैलून की टीम होगी हमारे साथ और आपको ब्राइडल मेकअप और ट्रेंड्स, और यहाँ पर भी जो सारा मेकअप हुआ हुआ है और बाल बने हुए हैं इतने खूबसूरत जो यहाँ पे सारी लग रही, ये उन्हीं ने किया है। और अगर मौका बारात का है और ऐसे खूबसूरत इवेंट का है तो वहाँ पर सुर कैसे ना हो, खूबसूरत आवाज़ कैसे ना हो, हमारे साथ होंगे मोहम्मद अली जो कि आज की इस महकती मॉर्निंग को बनाएंगे। ये छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप सारे खूबसूरत दुल्हन तो दिखाई, प्लीज आगे आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, आइए जी आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन, कैसे हैं आप रुखसाना? मैं ठीक ठाक का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो वैसे तारीफ में नहीं करती, थैंक यू वेरी मच, झूठी तारीफ में ऑफ कैमरा करती हूं, ठीक है, ऑन कैमरा में सारी सच्ची तारीफ करती हूं। बाकी ऑल दीस ड्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल इंक्लूडिंग यू सर, आप खुद बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी। देखिए रुखसाना, बस ये तारीफ निकालने के तरीके होते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए ड्रेसेस की, वैसे जो है मतलब एवरीबॉडी नोज जरी पैलेस, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, लेकिन बारात के लिए एक जो मेन कलर थीम है वो क्या सिलेक्ट की जाती है? एक्चुअली फॉर टुडे वी सिलेक्टेड द रेड थीम। अच्छा, एंड रेड एंड मैरून एंड मोस्टली व्हाटएवर वी डू फॉर द फर्स्ट डे 50-80% ऑफ द क्लाइंटेज दे ऑलवेज गो फॉर द रेड एंड मैरून। रेड जितने भी सबसे पॉपुलर कलर है, रेड एंड मैरून ऑलवेज, बट उसके अलावा भी ये है कि चूंकि खुद ब्राइड्स भी माशाल्लाह बड़ी एडवांस्ड हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस बिसाइड रेड, लेकिन चूंकि यहां की हमने एक थीम सिलेक्ट करनी थी सो फॉर टुडे वी सिलेक्टेड रेड एक्चुअली। अच्छा, आज का हमने रेड सिलेक्ट किया। वैसे मैंने देखा है कि अब क्योंकि मेहंदी होना शुरू हो गई है जिसको हम मेहंदी और शादी, मतलब मेहंदी और बारात दोनों साथ होती है तो उस पर बहुत ज्यादा कलर जो है वो मिक्स किए जाते हैं, बहुत ज्यादा, उसमें फिर ऑरेंज भी है, रेड भी है, उसमें
रस्ट भी है, मेहंदी के लिए तो क्रिस का एक स्टॉर्म है जिसको हम इकट्ठा करते हैं, तो टुडेज जो मेहंदी का ड्रेस अब बन रहा है वो इट्स ऑल अबाउट कलर्स, इट्स ऑल अबाउट कलर्स, इट लुक्स वेरी प्रीटी एज वेल। सो रुखसाना हम जरा अपनी मॉडल की तरफ चलते हैं, अगर आप मेरे साथ दीजिए पर यहाँ आ जाए जी। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुस्सा तो नहीं है सबको इतना हमने जी। अच्छा जी, हम सबसे पहले तो मुझे जरा ये हेयर स्टाइल स्पेशली मैंने देखा है बारात पे हम लोग ये हाई जूड़ास क्यों बनाते हैं, इसलिए कि मे बी ब्राइड्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं हर चीज बस नीट ही नजर आए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बारात की ब्राइड हमेशा मैंने देखी है, इवन जो अब मॉडर्न ब्राइड्स हैं, जिस तरह अनुष्का का बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था जो उसका ब्राइडल लुक थी कि मिडिल पार्ट थी बिल्कुल नीट सी उसकी एक लुक थी, मतलब वो ज्यादा बाल खुले जो है उस पर नहीं लगते। दूसरा आई थिंक सो क्योंकि दुपट्टा सर पे होता है, रुखसती के टाइम पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सर पे दुपट्टा ना हो, तो क्योंकि दुपट्टा सेटिंग होती है तो उसके लिए फिर आई थिंक इतना हाई जो है ना वो करना, ब्राइड जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ब्राइड पे फर्स्ट डे का, बिल्कुल, तो इसलिए उसको ज्यादातर वो कहती है कि बस नीट लुक हो और खूबसूरत भी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी रेड ड्रेस हैवी कलर है और रिच कलर है, बिल्कुल, तो ड्रेस भी हैवी होता है, फर्स्ट डे का थीम भी था कि नीट लुक देनी है आज के दिन, और सेकंड डे हम इंशाल्लाह उसको जरा ज्यादा मॉडर्न, जरा थोड़ा सा मेसी ग्लैमरस भी हो, ग्लैमरस देंगे। अच्छा, मैंने शादियों पे देखा है कि मेसी लुक जो है ना वो नहीं चलती, चाहे आप जितनी भी मॉडर्न ब्राइड है, लेकिन अगर आपके बाल बिल्कुल उलझे हुए खुले हुए हैं या वो सेट नहीं हुए हैं या वो हिल रहे हैं वो उड़ रहे हैं, तो वो नहीं, ना तस्वीरें अच्छी आती हैं ना आपका चेहरा जो है वो सही, आप खुद कंफर्टेबल होते हैं, तो चाहे आपने वो आपने जो वर्ड यूज किया ग्लैमरस, ग्लैमरस लुक होनी चाहिए थोड़ी सी, कि बाल खुले भी हैं लेकिन वो सेट हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, इनके फेशियल फीचर्स देख के आप इसके ऊपर हमारा आज क्या इरादा है? आप देख लें इनके फीचर्स देख लें और इनको हम कॉन्टोर करेंगे इनके फीचर्स को, और कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट लुक में ही करें। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस माशाल्लाह बहुत हैवी है, उसके ऊपर हम सॉफ्ट मेकअप करके इनके बेसिकली फीचर को इनहेंस करेंगे। अच्छा, क्या हम थीम क्या चूज कर रहे हैं इसकी? रेड ही, क्योंकि रेड पूरा ड्रेस है, ठीक है, दिस इज इस कलर को क्या कहेंगे हसन, आई कांट नेम दिस कलर, एक्चुअली इट्स यू कैन से इट्स अ पेस्टल रेड विद अ टच ऑफ टिश्यू, सो से थोड़ा इसके अंदर एक ग्लैमर एक शेन आ गया है, तो ये रेड की एक एडवांस्ड एक थोड़ी सी फॉर्म आ गई। कुछ भी नहीं सोचा, जब मैं मेकअप शुरू करती हूँ तो मुझे समझ आती है कि मैंने रुखसाना ये अगर मैं ब्राइड होती ना है और मैं इधर बैठी होती, मैं कहती रुखसाना आपने कैसी लुक सोची, और आप कहती मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने भाग जाना, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने भाग जाना, कहती व्हाट, मुझे एक एक चीज बताइए पहले। अच्छा, ब्राइड्स तो इतनी ज्यादा कॉन्शियस होती है, नहीं आप ये कैसे करेंगी, आप मेरी आंखें कैसे बनाएंगी, ये नहीं करना आपने, और सबसे ज्यादा जो आपको सुनने को जुमला मिलता है मुझे आंटी नहीं बनाना, आंटी नहीं बनाना, मुझे आंटी नहीं बनाना, क्योंकि इतने सारे मेकअप के साथ आंटी ना बनाना एक आर्ट होती है। अच्छा, आप देखें मेरी जितनी भी ब्राइड्स हैं मेरे फेसबुक पे एंजल सैलून के, आप देखें उसमें कोई भी आंटी लुक नहीं, ये यहाँ देखें ना कितनी हसीन लग रही हैं सारी, इनके मेकअप्स देखें, आंटी लुक मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा, एक ने तो ताज भी पहना हुआ है माशाल्लाह, मतलब हमारे इतना वो क्यूट नहीं, मैं हमारे गाँव का एक ट्रेडिशन है, ठीक है, मेरी अपनी रूट्स, अब आप आज आपको पता चल गई होगी अभी तक इन दो सालों में कि मेरी गांव से मेरी रूट्स बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब जड़ें उधर ही हैं मेरी अभी भी, तो वहां पर एक ट्रेडिशन है, क्योंकि पठानों में वैसे भी आपको पता है कि गोल्ड अगर है तो वो सुच गोल्ड, बस जितना बड़ा बड़ा आ जाए ना सामने वो जरूरी होता है, तो वहां पर हर ब्राइड को ताज पहनाया जाता है और वो ताज जो है वो गोल्ड बनता है, तो हम जो थोड़े से मॉडर्न हो गए जो निकल आए गाँव से, तो हम लोग को बड़ा ही रिडिकुलस सा ट्रेडिशन लगता है ना कि आजकल ताज कौन पहनता है, और वो ऐसा ताज नहीं होता, वो ना प्रॉपर इतना बड़ा सारा जो है ना वो ताज होता है, बाकी बड़ा रॉयल स्टाइल का होता है बहुत फनी लगता है क्योंकि वैसे हमने सुर्खी पाउडर करना होता है वहाँ, हम लोग के कोई मेकअप आर्टिस्ट वगैरह तो इतने होते नहीं, लेकिन ताज जरूर होता है सर के ऊपर। लेकिन सुंदर इस बार मैंने सबकी नीट लुक देखे, आप देखे सबके मेकअप डिफरेंट है, सबके हेयर स्टाइल्स डिफरेंट है, मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक लगाया और उसके बाद अपने मजे मजे से मैंने इंजॉय करके मेकअप। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी आपको हमें म्यूजिक प्रोवाइड, दुआ करें कि मैं बस अच्छे अच्छे गाने हो, ठीक है, वरना आपका मेकअप जो है ना, अगर मैंने यहाँ पे रॉक लगा दिया तो फिर पता नहीं क्या बनेगा। देख ले, ये बात है कि मैं म्यूजिक के हिसाब से चलती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा रुखसाना, मेरे मुझे बताइए, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे यूजुअली मुझे यही कलर्स पसंद आते हैं, मैं इतने डल कलर्स, और मुझे होता है ना मैं बालों में कुछ करूँ ना मैं चेहरे पे कुछ करूँ, तो अगर ये ड्रेस आपके पास आता और मैं आती तो आप क्या लुक देती? अच्छा, वैसे सच्ची बात ये है सुंदर कि आपके ऊपर बहुत सॉफ्ट मेकअप अच्छा लगता है, ठीक है, ये तो बात दान है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ज्यादा मेकअप में करने के लिए अच्छा लगता है। तो दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा सूट आप पे, अगर
मार्शल वो आउटवर्ड ब्लो ड्राई बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश भी लुक आती है, ग्लैमरस भी लुक आती है, सेट भी लगते हैं, सेट भी लगते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो आउटवर्ड है वो कितने नीट होने चाहिए ना. बेसिकली मुझे वैसे बहुत ज्यादा वो जो मैसी लुक मुझे खुद को पसंद नहीं. मुझे भी जरा स्ट्रेट, जरा सुलझे हुए. अच्छा एक आपने आज मुझे ट्रिक बतानी है, क्योंकि मैंने कोशिश की और मुझे समझ नहीं आई कैसे करूँ. मैं चाह रही थी कि मैं आज अपनी आंखें सिर्फ गोल्ड में बनाऊँ, कि सिर्फ गोल्ड ऊपर करूँ, लेकिन सिर्फ गोल्ड करने के चक्कर में ना आंखें मेरी बड़ी नहीं लग रही, मतलब वो अंदर चली गई है थोड़ी सी. तो वो जो ट्रिक है ना कि किस तरह आपने एक शेड यूज करते हुए आंख को थोड़ा सा खुला दिखाना है, जैसे मैं यहाँ पर ब्राइड्स को देख रही हूँ, उनकी देखिए कितनी खूबसूरत सॉकेट बनी हुई है, उनकी देखिए कितनी खूबसूरत सॉकेट बनी हुई है. तो ये आर्ट जो है ना, ये आपने मेरे साथ सबको सिखाना है. ठीक ठीक है, ठीक आप बात है, सबको आना तो चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल हाँ. आना चाहिए बिल्कुल, ताकि आप अगले को जाके बता सके ना आप ये ठीक कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे. अच्छा सर मुझे बताइए, ये ड्रेस मैंने तो शो के ओकेजन से पहना है, लेकिन अदरवाइज आप कहाँ पहन कर जा सकते हैं? इट्स बेसिकली पार्टी वेयर ड्रेस, थोड़ा वाइल्ड कलर्स हैं टू गिव इट अ डिफरेंट टेस्ट. और अभी जितने भी चल रहे हैं मोस्टली इसी तरह के चल रहे हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स चल रहे हैं, पैपलिन चल रहे हैं, उसके साथ इसमें नीचे गरारास या शराराज या इस तरह की दूसरी चीजें चल रही हैं. अभी लॉन्ग लेंथ वो सब इस वक्त आउट है, तो ये उसी नेचर में एक ड्रेस बना हुआ है. और इंशाल्लाह अभी कमिंग शोज में आपको और भी ड्रेसेस इस तरह के और भी ड्रेसेस इस तरह के हम दिखाएंगे. अच्छा जी, जो हमारी मॉडल थी जिनका आपका हमने खूबसूरत सा ड्रेस दिखाया, अगर वो जरा सामने आ जाए, इनका ड्रेस हसन अगर हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा. एक्चुअली इट्स जी यहाँ पर बड़ा रॉयल सा ये ड्रेस हम लोगों ने डिजाइन किया है. इसके साथ बड़ी टेल है फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर एंटीक्स आउट हैं, सिल्वर्स आर मोस्टली इन फॉर द सेकंड डे. तो ये गोल्ड के अंदर है, लुक्स आप देख सकती हैं, टेल के साथ फ्रंट को हैवी रख के थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल टच दिया है, लेकिन स्लीव्स के अंदर और काम के अंदर इसका जो एक मॉडर्निज्म है उसको हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया. तो इट्स अ ब्लेंड ट्रेडिशनल और नए, इन दोनों चीज़ों को हमने आपस में फ्यूजन किया है. अच्छा, इट लुक्स वेरी नाइस. और ये है वही आजकल दोबारा इन है कि छोटी शर्ट्स और पहले बीच में लॉन्ग शर्ट्स और साथ में मैक्सिस बहुत ज्यादा रही हैं, बहुत फॉर लॉन्ग टाइम रही हैं, एंड नाउ शॉर्ट शर्ट्स एंड इज रिवाइविंग अगेन, इट्स कमिंग बैक. और इसकी टेल इतनी खूबसूरत है, अगर थोड़ी सी हमारी मॉडल आपको इसकी टेल दिखाएं, दिस लुक्स सो प्रिटी. अच्छा हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन नहीं है ना जो छोटे बच्चे पीछे टेल कैरी करके जाते हैं, वरना अगर ये हो ना तो इट लुक्स सो प्रिटी. बहुत खूबसूरत इसकी टेल भी पीछे से बनी हुई है ड्रेस की. और साथ अच्छी ज्वेलरी किसकी है? ज्वेलरी तारिक साहब जी हमारे बड़े, ज्वेलरी हमारे साथ नहीं है ज्वेलरी, क्योंकि सारी भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे जब वो आएंगे तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सारी यहाँ पर मॉडल्स की जो है इतनी खूबसूरत और परफेक्ट ज्वेलरी साथ में जो है वो भी जा रही है. और गजरे इतने प्यारे, क्या कितनी तारीफ करूँ मैं, गाना ही लगा देती हूँ साथ में, मुमकिन ही नहीं तारीफ. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपना मेकअप भी जो है वो हम इसे आपका मूड बना रही हूँ मैं, आपने कहा था ना माहौल बना रही हूँ आपके लिए, मैंने कहा मैं अच्छा सा माहौल बनेगा, आपका मूड बनेगा तो अच्छी से वाली दुल्हन तैयार होंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, क्या सोचा अभी तक, कुछ सोच लिया? हाँ, क्या करना है सोच लिया, बताएं जी क्या करना है. सरप्राइज होगा आज, सरप्राइज होगा. हाँ, कुछ तो दस दियो मेनू, मैं भी शो कर नहीं. अच्छा, मैं शो तो नहीं, अगर फिर ठीक है, शो इनके फीचर्स देख रही है. हाँ, तो उसके हिसाब से वही आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको वही गोल्डन आई करेंगे, ठीक हो गया, कंटूर आई को करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको चाहिए था आप सीख लें, हमारे व्यूअर्स भी सीख लें, ठीक है. और लिपस्टिक फिर उसके बाद मेकअप के बाद में, अब इतना हक मुझे भी दें कि लिपस्टिक फिर जो मर्जी करें, आखिर में सोचूंगी कि लाइट लगाऊं या डार्क. जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है. अच्छा एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, हम मेकअप स्टार्ट करते हैं जी. अच्छा एक ट्रिक मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं, मतलब रोज का मेकअप कर रहे हैं, तो आप पहले लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि जब आप पहले लिपस्टिक लगा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा उसके मुताबिक मैंने ब्लश कितना लगा. लाइट लिपस्टिक होगी तो आप ज्यादा ब्लश लगाएंगे और उसी के मुताबिक आपने आई मेकअप कैसे करना है. और अगर आप पहले लिपस्टिक नहीं लगा दे तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पूरी बेस बनाते हैं, ढेर सारा हम ब्लश लगाते हैं और फिर जब हमने डार्क पिंक
करें, फिर आपने एवरीडे लुक में रेड लिपस्टिक या पिंक लिपस्टिक, डार्क पिंक लगाई, तो पहले लिपस्टिक लगाए उसके अकॉर्डिंगली ब्लश वगैरह लगाए, लेकिन ब्राइडल में आप पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस आंखों के ऊपर होता है, तो जैसे रुखसाना का सबसे पहले आप अपनी आंखें बनाए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली देखें कि अच्छा नीचे अब कितना रंग है, फिर ऊपर कितना रंग है, और अब बीच में लिप्स में मैंने कितना रंग जो है एक बेस भी है थोड़ा सा ब्राइडल में करेंगे। ब्राइडल में हैवी बेस जरूरी है, थोड़ी सी हैवी ठीक है। और मुझे ट्रिक बताएं कि क्योंकि इसमें शूट भी होता है, 2 बजे हमारी ब्राइड तैयार हो जाती है, 8 बजे फंक्शन होता है, बीच में शूट भी कराना है, गर्मियां भी हैं, तो क्या ट्रिक है जिससे आपका मेकअप जो है, जो आपने 2 बजे तैयार हुई थी आप, वो वैसे का वैसा रहे शाम तक? अच्छा, मैं तो डायरेक्ट जो है ब्राइड को कहती हूँ कि फेस वॉश कर दें, अच्छे फेस से, फेस वॉश से नीट कर लें, और उसके बाद जो है ना गर्मियों में यूज करती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी टोनर, ड्राई स्किन होती है ठीक है, ड्राई स्किन करके सिंपल, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करती, कंसील करती हूँ, और कंसील करके डायरेक्ट मैं जो है आप देखेंगी भी कि मैं लिक्विड बेस लगा देती हूँ, ठीक हो गया, फिर उसके बाद सॉफ्ट सी कंटूरिंग होती है, ठीक है। ऑयल कंट्रोल, तो उसका क्या, जो बेकिंग करते हैं जो ऊपर वो पाउडर डाल के थोड़ी देर छोड़ के फिर वो हटा देते हैं, या जो फिक्सर स्प्रेज होते हैं, इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है? स्प्रेज, हाँ जी, सेटिंग स्प्रेज से तो वाकई फर्क पड़ता है, ठीक है, तो मतलब वो भी हिलती नहीं है, बेस हिलती नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप एक अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जब गर्मी होती है ना तो हल्का हल्का बाद में भी छिड़क लिया, उससे आपका मेकअप फ्रेश भी रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर है, जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। मैं शमाइला बात कर रही हूँ, जिनसे मुझे ना आपकी जो ब्यूटीशियन है ना, मुझे इनसे ना एक क्वेश्चन करना है। जी जी कीजिए। ना 23 जून को ना मेरी और मेरी बहन की शादी है, तो एक तो ये बताने की ना मेरी ना पफी आईज है, आईब्रो के पास है, उसका मेकअप बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, तो किस पफी मतलब यहाँ से पफी है ना, और मुझे ना जो डिजाइनर है उनसे कहें कि प्लीज ये आप जो उनकी ड्रेसेस वगैरह ना उनकी रेंज बता देंगे, कहाँ से रेंज शुरू होगी? ये तो खतरनाक सवाल, बड़ी खुशी हुई मुझे आपने पूछ लिया। जी उनको मेरी और मेरी बहन की, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम उसी फिर रेंज में लेंगे। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो चाह रही थी कोई कॉलर पूछ ले, मुझे तो वैसे ही मना है ना सवाल का, तो मैं आपके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, एक तो हम ड्रेसेस की रेंज आपको बता देते, और दूसरा जो इन्होंने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया, कि ये आईब्राउज से जिनकी आंखें थोड़ी सी पफी होती हैं या ड्रूपी होती हैं, तो थोड़े से बहन माइंड ना करना, ये जो यूं करके होती हैं आईब्राउज, इस पे कैसा मेकअप किया जाए ताकि आंखें जो है वो थोड़ी सी खुली खुली लगे? अच्छा, जो ड्रूपी और हुडेड आईज होते हैं, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम भी हुआ था आप ही के साथ, उसमें हमने बड़ा क्लियर ये बताया था कि आंख छोटी होती है, उनका हुडेड होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जो आईलिड है उसको प्रोमिनेंट करें। अब प्रोमिनेंट कैसे करना है, लाइट कलर यूज करके, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेकअप उस पे ना करें, जितना मेकअप करेंगे उतनी आंख बंद होती जाएगी, ठीक है, आपके पास गुंजाइश कम है, तो आप बहुत सेफ मेकअप करें। ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे ड्रूपी आई है, उसके ऊपर आपको कंटूर करना है, आई कंट्रोल करना है। अच्छा, वहाँ पे आपको आई कंट्रोल कर लें, यहाँ पे जो है आईलिड को आपने इनहेंस करना है लाइटर शेड के साथ, ठीक हो गया, डल गोल्ड के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने यहाँ तक नहीं लेके जाना, यहाँ तक नहीं लेके जाना, इस एरिया में, ठीक हो गया, ठीक है, इस एरिया में मिडल ऑफ द आई इसको हमने इनहेंस कर देना है, और दूसरा यहाँ वाला जी यहाँ पे भी ना थोड़ा सा नैरो होता है, तो उसके अंदर भी लाइट शेड, अगर यहाँ पे गोल्ड लगा रहे हैं हल्का डल गोल्ड सिल्वरिश गोल्ड जो होता है वो यहाँ पे लगा दें, आंख खुल जाती है। तो मेकअप का असूल ये है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कोई चीज ज्यादा है हुडेड है उसको दबाना है, ठीक है, और जो लगे कि अंदर जा रही है आंख या इस तरह छोटी आंख है, उसको इनहेंस करने के लिए लाइट, ये कलर शेड का कमाल होता है, डार्क बिल्कुल पेंटिंग है, पेंटिंग आपका जो आप कर रहे हैं, और जहाँ से आपको लग रहा है कि ज्यादा धसी हुई आंख थोड़ी अंदर है वहां पे आप 33 में ये वाली जगह थोड़ी सी सैगी हो जाती है, तो उसको भी जो है जितना आप हाईलाइट करेंगे उतनी आपकी आंख उठी भी लगेगी। तो ये आपके लिए जो है ट्रिक मेकअप, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हसन जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ड्रेसेस की रेंज आपके पास जनरली कितनी होती है, या आपके पास जब क्लाइंट आता है तो क्या आप उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी क्या रेंज है, उसके मुताबिक भी कपड़े बन जाते हैं? जी हाँ, इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि ड्रेसेस को आप जो भी ड्रेसेस उनको दिखा रहे हैं, खुद क्लाइंट भी इस मामले में ज़रा क्लियर हो कि उनका एग्जैक्टली बजट क्या है,
ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि परेशानी ये बन जाती है कि आप जब एक ड्रेस दिखा रहे हैं और वो ड्रेस उस लड़की की चॉइस के मुताबिक है और जो भी उसके अंदर, लेकिन समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम टू मीट विद द बजट एंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस. तो लेकिन चूंकि बिकॉज वी आर रिटेलर्स एंड वी आर ट्राइंग कि जितने भी क्लाइंट जो हमारे पास आ रहे हैं हम उन सबको प्रॉपरली एक तरह से उनको हम लोग एंटरटेन करें. तो अभी यहाँ शो पे तो सब ड्रेसेस की प्राइसेस बताना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. नहीं नहीं, आई एम नॉट, मैं यही कह रही हूँ कि अब इसके ऊपर सारों की बताना तो नहीं, बट व्हाट वी कैन डू इज हम एक रेंज बता सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक आपका जो ड्रेस बन सकते हैं. मोस्टली जो मेरी डिजाइनर से बात हुई है वो ये होता है कि आपसे वो आपको ड्रेसेस दिखा देते हैं. फॉर एग्जांपल आपको ये ड्रेस दिखा दिया, ये ड्रेस दिखा दिया, वो दिखा दिया, अब आपको एक ड्रेस पसंद आ गया और आपकी रेंज उतनी नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जरा हम रेंज को नीचे रखते हुए ही थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका ड्रेस जो है वो 70 से लेके 1.5 लाख तक का जो है वो आपकी रेंज है और जो ड्रेस आपने देखा है वो 2.5 लाख का है. राइट, ठीक हो गया. तो अब डिजाइनर से आप शुरू हो जाते हैं, काम को नीचे कैसे लेकर आया जाता है कि आपकी रेंज को मेक, ड्रेस भी आपको वैसा ही मिल जाए और रेंज आ. आई एम थिंकिंग कि आपको भी एक बुटीक है ऑफलाइन इसके अलावा. ये शो कर करके इतने डिजाइनर मेरे पास आते हैं मुझे पता चल जाता है. दूसरा ये कि जो टॉप टियर के डिजाइनर्स हैं डेफिनेटली दे आर नॉट फॉर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, दे आर ओनली डीलिंग फॉर एलीट्स. एलीट बिल्कुल. तो वहां तक हर बंदे की एक्सेस नहीं है. यूजुअली हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए उन प्राइसेस को दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दोस प्राइसेस. बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो पूरे आई थिंक सो फंक्शन का बजट उतना होता है. जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो बेसिक हम लोग यहाँ पे जिन लोगों को डील कर रहे हैं हमारी कोशिश होती है कि जो भी लड़की या उनकी फैमिली, एक्चुअली ड्रेस बाइंग इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि एक लड़की ने ड्रेस पहना, इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली थिंग. पूरी फैमिली ने बिल्कुल राइट, बिल्कुल. इवन द सिस्टर्स एंड द मदर, इवन द ब्रदर एंड फादर ऑफ द फैमिली, दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन. ऑब्वियसली उनकी जेब से पैसे, उनकी जेब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए. तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि ऑब्वियसली वो जो ब्राइड है शी मस्ट हैव अ गुड ड्रेस और उसकी रेंज भी ऐसी हो कि उसकी फैमिली के लिए और उस सब के लिए वो अफोर्डेबल हो. और बाकी ये कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी रेंज को वैसे जब आप उसको एक दिखाते हैं किसी चीज़ को तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बट फॉर दैट वी हैव डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ टैक्टिक्स. फिर हम उसके ड्रेस का कुछ काम लाइट कर देते हैं. यूजली बैक को ज़रा रिड्यूस, वीडियोस में शूट्स में ड्रेसेस की बैक इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ कि हम लोग इसकी बैक्स को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं और मोस्टली वहीं से बजट मेंटेन हो जाता है. अदरवाइज फिर दुपट्टे की बैक साइड्स को इस तरह से करके बहरहाल पल्लू फिर एक हो जाता है कि आप एक पल्लू करवा लें. हाँ, कुछ तो सामने वाला जो है, मतलब मैं तो उससे ही सस्ते ट्रिक्स बताऊंगी पता है पैसे रिड्यूस करने के. आप ठीक है. एक तो मैं आपको बता दूंगी कि जो भी आपने काम कराना है अगर आप उसके नीचे एक दफा ब्लॉक प्रिंटिंग करा लें, उसके ऊपर काम हल्का भी होगा तो वो ज्यादा लगेगा क्योंकि देयर इज मोर शिमर अंडरनीथ है. वेरी ट्रू. दूसरा आप जो है पल्लू जो आपके फेस को फ्रेम कर रहा है जो सामने आना है आप उसके ऊपर काम करवा लें. पीछे आपको पूरे दुपट्टे पे काम कराने की जरूरत नहीं है. टेल जिस तरह आपने कहा टेल माइनस करा लें, बैक पे काम ना करा लें. और अगर आप थोड़ी सी अपनी कमीज लंबी कर लेते हैं और नीचे प्लेन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद बताऊँ बाकी सीक्रेट्स. अभी आपसे बहुत सारी और फरमाइशें करनी है हमने. अच्छा जी, इस गाने के मुताबिक कैसा मेकअप हुआ है? मैं तो अब छोड़नी नहीं है ना ये बात. अब तो मैंने जाके पार्लर में सबसे पहले सुनने गाने कौन से लगते हैं. हाँ, हमारे पार्लर में लोग ज्यादातर आते हैं कि म्यूजिक बहुत अच्छा, म्यूजिक अच्छा हाँ, होता है. कलेक्शन आपकी अपनी होती है? अपनी होती है. क्या बात. तो ज्यादा मतलब उदास गाने कभी कभी मैं पुराने गाने बहुत सुनती हूँ. अच्छा. और वो फिर चलते चलते तो वो दुल्हन की बड़ी वो मासूम सी कभी कोई कोई उदास भी हो जाती है, कहती है प्लीज मैम अब चेंज कर दे प्लीज. अच्छा मैं ये पता है मुझे भी बड़े पसंद है उदास गाने, तो सबको पता. और पुराने गाने तो मतलब बहुत ही पसंद है ना, मोहम्मद रफी हो गए जो है ना, मेहदी हसन साहब, सारे बड़े अच्छे गाने. अच्छा मैं एक दिन वीरे दी वेडिंग होती है तो उसमें सारे साथ साथ होते हैं और हर कोई हर जगह साथ जाना है, पार्लर भी साथ जाना है और कॉन्स्टेंटली वो हर 2 मिनट बाद ना इधर शॉपिंग हो रही होती है इधर फूट फूट के रोना शुरू हो जाते हैं. हाँ. जैसे याद आता है कि अच्छा ये सब तो खत्म हो जाना, रुखसती भी होनी है. बिल्कुल. तो अब हम एक जहाँ पे उसका मेकअप हो रहा था वहाँ बैठे हुए, अब वहाँ पहले एक गाना लगा कि वो नहीं है वो क्या गाना है कि हम तो परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस टाइप एक इस तरह का गाना लगा. ठीक है, फिर ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा. अच्छा जब तीसरा इस तरह का गाना लगा ना तो मैंने कहा आप लोग किसी मिशन पे, और वहाँ 4 ब्राइड्स तैयार हो रही और चारों फूट फूट के रो रही है और बार बार
बार जो ना अच्छा एंड में रोल या घंटा रोते रहिए, वो ब्राइड रोई सारी दोस्तों के साथ रोई, कजन भी रोई, रोने के बाद जब सेट हुई है ना तो अपने आपको शीशे में देख के कहती है दोबारा रोना शुरू हो गया। मैंने कहा अब क्या हुआ है कि मेरी आंखें इतनी फूल गई, मेरा मेकअप अच्छा नहीं होगा, फिर उसके ऊपर रोते रहे। तो मतलब एक तो पार्लर वालों को स्पेशली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसे डिस्को गाने लगाएं कि बंदे को भूल जाए उसकी रुखसत होने वाली है ना? होना चाहिए स्पेशली बारात वाले दिन तो हम उठते ही रोते हुए है ना, कि मतलब सारे जो दोस्त भी उठते हैं, जो भी जैसे उठते तो कोई किचन में रो रहा होता है, अम्मी जी जो है कहीं रो रही होती है, तो रोने धोने के साथ साथ बड़ा प्यारा ओकेजन है। या एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा हाँ, ब्राइड रोने लग जाती है, फिर पता चलता है ये म्यूजिक का कमाल है, म्यूजिक का कमाल है। मैं बता रही हूँ कभी कोई जो है ना वीर जारा के गाने, कोई छोड़ देने वाले गाने, कोई पुरवार, ब्राइड जो है ना वो बैठे ही ना अपनी चेयर पे, लेकिन कोई आपने ऐसा गाना नहीं लगाना जिसमें वो फूट फूट के रोना शुरू कर दे। सही है। अच्छा जी, हम लोग कहाँ तक पहुँचे मेकअप पे? बस आईज मेकअप जो है वो नीचे का बस होने जा रहा है एंड पे, और उसके बाद लैशेस लगानी है हमने, लैशेस के बाद फिर थोड़ा सा ग्लिटर करना है, उसके बाद बेस बनानी है। ठीक है। अच्छा वो ब्राइडल लैशेस कौन सी वाली लगाएंगे हम इसमें? हैवी, सुपर हैवी लैशेस? सुपर हैवी नहीं लगानी। अच्छा हाँ जी, सुपर दरमियानी सी, दरमियानी सी दिखाएं जी, लैशेस भी हम दिखाएं। अच्छा आजकल तो एक तो लैशेस में भी इतनी वैरायटी आ गई है ना, और ये देखें ये बड़ी खूबसूरत लैशेस होती है भाई, ये मेरी एक तो ब्रांड लिखा हुआ ऊपर, कवर करते हैं ठहरे जी, ये लैशेस जो हम आपको इस दफा जो लगाने जा रहे हैं ये अच्छा इतनी हैवी नहीं है, पहले होती नहीं वो सही काली कर देने वाली आंखें जो है ना, सॉफ्ट सा मेकअप ये ठीक है जी साथ में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर कोई मुझसे प्राइस रेंज पूछता है कि लैशेस जो लगानी होती है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही अपर रेंज में जाके लैशेस खरीदें, एक दो दफा आपने यूज करनी होती है, आप सस्ती सी लैशेस भी ले लेंगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपकी आंख के मुताबिक कौन सी अच्छी और आपको मिल जाएंगी, वो आप जो लगा ले। मेरे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा आपका शो हो रहा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छे डिजाइनर ने, बहुत अच्छा उनका काम है, सारे मॉडल्स बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, आपकी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। आपका ड्रेस तो मुझे बहुत बहुत जबरदस्त लग रहा है। देखिए मुझे भी मेरा ड्रेस बहुत बहुत सबसे प्यारा, मुझे अपना ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है इसके अंदर। थैंक यू, थैंक यू, ये तो आपका प्यार है। मेकअप की टिप्स देती रहती है और अपने पेज पर भी मैंने आपको देखा है, आप बताती रहती है, आप भी बहुत कुछ जानती है मेकअप के बारे में। चाहूंगी कि अब जैसे गर्मी है तो एक बहुत, अब किसी शादी को हम अटेंड कर रहे हैं तो हम अपना मेकअप खुद ही किसी मतलब पार्लर से नहीं, कोई ऐसा मतलब अच्छी टिप्स बताएं कि हमारा मेकअप सेटल रहे काफी देर तक। दूसरा हम आईलैशेस भी खुद घर पे कैसे लगा सकें कि वो इजीली लग जाए, बहुत हैवी वाली नहीं लाइट वाली, और स्टे करना और घर में लाइट मेकअप करना, ये हमने तीनों चीजें बताई भी तो है, लेकिन क्योंकि हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो हम आपको दोबारा बता देंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं और उसके बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी सैयद तारिक को भी, प्लीज आइए, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल ये ज्वेलरी जो है डिजाइन की है, और हसन शेख प्लीज आप भी आ जाइए, जो हमारे पास यहाँ ड्रेसेस है उनको एक दफा हम डिस्कस कर लें। वेलकम टू द शो जी, कैसे हैं आप? शुक्र लगा आपने आपकी ज्वेलरी, इन्होंने मुझे रिमाइंड किया है, मैं भी पहन चुकी हूँ। अच्छा जी मैं आपको बताऊँ, सब यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही है, सब ड्रेसेस बहुत हसीन है, लेकिन सरप्राइजिंगली मेरी फेवरेट ज्वेलरी और फेवरेट ड्रेस और फेवरेट मेकअप जो है वो इन्हीं पर हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि लाइट सा मेकअप है, ज्वेलरी भी बहुत प्यारी, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज्वेलरी का मुझे बताइए। ज्वेलरी का ये है कि ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल था ना, पहले जो डाई ठप्पे का स्टाइल में चलता था वो काम के लिए ट्रेडिशनल स्टाइल में इसमें किया हुआ है, बकाया स्टोन्स वगैरह हमें सारे जरकोन्स वगैरह लगाए हुए, रूबी चितम लगाए हुए इसके अंदर, क्रोन है इसी के मुताबिक सारा कुछ हमें सेट किया हुआ है। अच्छा तो बहुत ये जो है ना ट्रेडिशनल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल स्टाइल, ये जो मोती का मोती माला टाइप जो होती है ना इस तरह की, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नाम मुझे नहीं आते, ये पुराने जमाने में डाई ठप्पे के नाम का वो चलता था, यानी कि जो निगर डाई का काम हो रहा है, यानी कि पुराने स्टाइल में जो मम्मी दादी वगैरह जो चलती थी, बिल्कुल मैं ही जाके ज्वेलरी डिमांड करती हूं, जो दादियों वाली नहीं होती इसमें मोती शोती लगे हुए होते हैं बहुत खूबसूरत, इसके फुल चांसेस थे पेंडू लगने के, लेकिन वो इतना अच्छा सेट किया ना, रुखसाना को क्रेडिट दे कि वो इतना मॉडर्न और हसीन लग रहा है। अच्छा ड्रेस velvet, beautiful dress. Yes ma'am, thank you very much. Or velvet is like reviving again, jaise ye set dadi aur nani ke time ka hai, velvet is velvet again coming back from the Mughal times and as compared to any other stuff, well some people they do object ke velvet hai seasonal aur weather ke thode effects hote hain, but I think ke
आप सिल्क्स में भी या शेफून्स में भी नीचे उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके साथ जब आप उसे पहनते हैं तो वो उतना ही गर्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल इसका इफेक्ट है कुछ ऐसा, अदरवाइज लुक्स के ऊपर वेलवेट इज द फाइनेस्ट थिंग। बिल्कुल, और प्लस ये है कि वैसे भी आजकल दुल्हने पार्लर से और फिर गाड़ी और फिर हॉल सब जगह एयर कंडीशन है, तो आई डोंट थिंक दैट इट मैटर सो मच। वो आप वैसे जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं शूट कराने वहाँ क्या हालत होती है, उसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत हमारी वही होती है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि वाकई वेलवेट सबसे ज्यादा रॉयल लुक जो है वो इसी में आती है, और ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। प्लस नॉट रिकमेंडेड फॉर रेलवे स्टेशन शूट्स, नॉट रिकमेंडेड, वहां पर आप साथ अगर कोई पोर्टेबल एसी ले जाए तो। अच्छा जी, इनका देखें क्योंकि ये झूमर ही कहूंगी इसको, ये झूमर इसमें यानी कि माथापट्टी स्टाइल कह सकते हैं। अच्छा, माथापट्टी स्टाइल, जी माथापट्टी, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के फिर देखें गले में हमने कुछ नहीं पहना या बहुत हल्का सा लाइट सा, यानी कि हल्का सा लाइट सा, ड्रेस इतना हैवी हो जाता है कि इसके मुताबिक इतना भी चल जाता है, चल जाता है, ठीक है जी। और इसके लिए आपका माथा भी जो है वो थोड़ा सा कुशादा हो जाता है, लाइट ड्रेस हो तो उसके हिसाब से ज्वेलरी हैवी हो जाती है, ड्रेस हैवी होती है तो उसके हिसाब से ज्वेलरी लाइट भी लाइट भी पहनी जा सकती है, ठीक है। इस ड्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एज वेल, मैरून के साथ है मैम। अगेन इसमें थोड़ा सा फ्यूजन है ट्रेडिशनल का मॉडर्न का, प्लस अभी जो नया ट्रेंड है पर्ल्स के साथ, पर्ल्स दोबारा से इसमें आ गई है आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। और लहंगे को कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट रखा गया है, आप देख सकती हैं शर्ट के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, उसको बैलेंस करने के लिए लहंगे के काम को स्प्रेडिंग शेप में लेकिन थोड़ा सा जरा कॉम्पैक्ट करके बनाया गया ताकि, और शर्ट थोड़ी सी लंबी है सो आई थिंक काम उधर ही जो है वो पूरा जो वो अच्छा लग रहा है, एंड इट लुक्स। और ये आप देखें दोनों एक ही कलर के ड्रेसेस हैं, एक वेलवेट में है और एक शिफॉन में है, और बड़ा वाज़ह सा आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है कि एक थोड़ा ज्यादा रॉयल लग रहा है, एक थोड़ा सा जो है कम तो मैं नहीं कहूंगी, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट लुक जो दोनों में आ रही है। तो अगर आपका थोड़ा सा रीगल, थोड़ा सा जो है ना दीवानी मस्तानी वाला जो एक आजकल लुक सबको पसंद आई भी है ना, तो उसके लिए फिर वेलवेट ज्यादा जो जचता है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, वापस आके ये वाले भी डिस्कस करते हैं। और एक और इंसान है यहाँ स्टूडियो में जिसके लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने ये सारी जो है ना वॉक कोऑर्डिनेट कराई है, वो है हमारे रेहान भाई। अगर हम आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाते ना कि यहाँ पे क्या हो रहा था और किस तरह कोऑर्डिनेट हो रही होती, तो ये होती है डेडिकेशन शो की। प्लीज मैं अपने डिजाइनर को भी, ज्वेलरी डिजाइनर को भी यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी, आ जाइए। ये इतना खूबसूरत ड्रेस, मेकअप आप देख रहे हैं कितना अच्छा हुआ है और कितनी जबरदस्त ज्वेलरी इसके साथ सेटिंग हुई है। इसकी इस ज्वेलरी का भी अगर आप मुझे बता दीजिए जी, इसमें थोड़ा सा गया, इसमें आपने अंदर देखा, हमने इसके अंदर वर्क कर दिया, काम कर दिया इसके साथ से, काम यानी कि पीस बड़ा छोटा उसके हिसाब से जो ना सेटिंग पूरी कर दी है। साथ हमने माथा पट्टी, साथ इसके इयररिंग्स, यानी कि बहुत ज्यादा भारी यानी कि होता ना कि बहुत ज्यादा भरा हुआ भी नहीं है और एक बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, यानी कि उसके हिसाब से हमने सारी इसकी सेटिंग की। बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, और ये ड्रेस भी बहुत डिफरेंट है, ये भी अगर हसन आप मुझे बताएं, दिस इज सब में आई थिंक सो सबसे डिफरेंट ड्रेस जो है हमने ये वाला देखा है, इट्स अ लिटिल मॉडर्न। गरारा की सेटिंग में फैब्रिक इसका एज फ्रॉम ऑल अदर कंपेयर टू ऑल अदर ड्रेसेस थोड़ा डिफरेंट है, हमने इसमें प्योर टिश्यू यूज की है, ठीक हो गया। और उसके साथ कलर स्कीम इसकी रेड से थोड़ी एडवांसमेंट में आ गई है, दिस इज अ शिमरिंग रेड which is I mean a new thing. अगर आप you are not okay with the traditional red, you want something change, you want to wear red but you want something change, then this is a very good option. And I think this is a perfect dress for Shehndi, क्योंकि इसके साथ जो है वो बारात वाला है, तो ये बहुत जबरदस्त जो है मिक्सचर है ओकेजन के लिए, ये बहुत सूटेबल है, फिट फॉर द ओकेजन है जी। बिल्कुल, हमारी मॉडल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है भारी ड्रेसेस कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, ऑल ऑफ यू लुक सो ब्यूटीफुल, द ड्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल, रुखसारा का सबसे मुश्किल काम था आपका और आपकी टीम के लिए भी जो है, मैं तालियां बजाना चाहूंगी। Thank you so much for being here. Thank you the lovely jewelry designer. Thank you my band. Thank you Mohammed Ali साहब, किधर गए? उन्होंने हमारा शो रैप करना है, किधर है, किधर? उसे किधर चल गया? Thank you everybody for watching. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Once again thank you for the beautiful dress. It looks so good. Thank you for watching. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. कल भी हमारा इसी तरह का एक शो होने वाला है जिसमें हम आपको डिफरेंट लुक दिखाएंगे, डिफरेंट डे की लुक दिखाएंगे, मेकअप भी दिखाएंगे, ड्रेसेस भी दिखाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है और हमारा शो देखते रहना है. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे.